हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। यदि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बार बार आपकी साइट रिजेक्ट हो जा रही है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप नीरज यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, तो आप इन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको देखना है कि कहीं आपका गूगल जो वेबसाइट गूगल में आप बना के रखे हो, जो इंडेक्स करवा के रखे हो, वो कहीं डोमेन उसका पार्क तो नहीं है। आपको देखना है जो भी आपका डोमेन है उसको देखना है, आपका डोमेन पार्क तो नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको HTTP के साथ एक बार साइट को ओपन करना है। HTTP के साथ अगर आपकी साइट नहीं ओपन हो रही है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे डोमेन पार्क हो, और HTTPS के साथ अगर आप ओपन कर रहे हो तो ओपन हो रहा है, लेकिन HTTP के साथ नहीं ओपन हो रहा है तो मे भी हो सकता है आपका डोमेन पार्क हो। अब डोमेन अगर आपका पार्क है तो आप डोमेन को पार्किंग से कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, रिमूव डोमेन फ्रॉम पार्किंग एंड गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। तो ये पार्किंग से आपको हटा लेना है डोमेन, उसके बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सारी चीज़ें अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करनी है, और फिर आपको ट्राई करना है अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा bloggingskill.com है, तो इसमें देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये इसमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, तो आपको SSL सर्टिफिकेट सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो मेनू देख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं होम, ब्लॉगिंग, SEO, WordPress, AdSense, तो ये जो मेनू है ये आपको यहाँ पे मेनू जरूर बनाना है। अगर आप मेनू नहीं बनाएंगे तो आपकी साइट अनप्रोफेशनल लगती है, तो मेनू जरूर बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी साइट की जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी रखनी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि साइट का जो डिजाइनिंग है वो देखने में इतना भद्दा हो कि जैसे ही गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई करो और जैसे ही कोई बंदा उसे रिव्यू करने के लिए आए तो आपकी साइट देख के ही आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर दे, तो ये आपको काम नहीं करना है। आपको करना है अपनी साइट की डिजाइनिंग खूब अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये आपको 4 पेजेस जरूर बनाने हैं। इन सभी टॉपिक पर कैसे ये पेजेस बनाए जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन वीडियोज का लिंक दे दूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी देखिए सब लोग यहाँ पे लिंक लगाते हैं, सोशल मीडिया लिंक लगाते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट पर। जैसे यहाँ पे देख सकते फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम, तो ये जो लिंक है इसमें आपको अपने जो भी सोशल मीडिया आपका है उसका लिंक इसमें डालना है। अगर आप लिंक नहीं डालोगे तो आपकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि आपकी साइट पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपका कंटेंट, जो आप पोस्ट लिख रहे हैं, ये जो पोस्ट है आप रेगुलर लिखते रहिए। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो रेगुलर आप पोस्ट लिखते रहिए। अगर रेगुलर पोस्ट नहीं लिख रहे हैं तो गूगल एडसेंस आपको देखेगा कि यहाँ पे ये साइट रेगुलर काम नहीं कर रहा है, यानी कि मे भी ये हो सकता है कि ये इस काम को लेकर सीरियस नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको रेगुलर पोस्ट लिखना है जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ गूगल एडसेंस अप्रूव कैसे करें। अब इसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी देखिए क्यों आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता है, ये मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होने के क्या कारण होते हैं। देखिए, आपका कॉन्टेंट ही बहुत कम होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप 7-8 पोस्ट, 10 पोस्ट ही लिखते हैं तो वो गूगल में इंडेक्स हो जाता है और रैंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन कुछ नए जो ब्लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट डाल देते हैं, स्क्रैप्ट कंटेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो 10, 20, 30 पोस्ट लिख लेते हैं फिर भी उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, इनसफिशियंट कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनसफिशियंट कंटेंट आपको नहीं रखना है, आपको जो पोस्ट आप लिख रहे हो वो काफ़ी हाई क्वालिटी होना चाहिए,
और वो आपको कोशिश करना है कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो गूगल में इंडेक्स हो जाए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कंटेंट ही एडसेंस फ्रेंडली नहीं होता है। अब कॉन्टेंट एडसेंस फ्रेंडली का मतलब है कुछ अडल्ट चीज़ें होती हैं, कुछ हैकिंग क्रैकिंग से रिलेटेड लोग डालते हैं, मूवीज डाउनलोडिंग वाला यहाँ पे वेबसाइट बना लेते हैं, तो ऐसे में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कॉपीराइट मटेरियल का यूज आपको नहीं करना है। यहाँ पे पेजेस जैसे मैंने बताया थे कि पेजेस आपको सभी बना लेने हैं। और मेन सबसे गलती ये लोग करते हैं कि गूगल एडसेंस का जो कोड होता है वो उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप गूगल एडसेंस का कोड जो है पेस्ट करने की बात आती है तो वो अपने साइट के, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वर्डप्रेस हो, उसके हेड सेक्शन में पेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले से ही गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना के रखना है। एक बंदा एक एड्रेस पर एक नाम से केवल एक ही एडसेंस अकाउंट चला सकता है, दो नहीं चला सकता है, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये जो साइट आप देख सकते हैं, ये पोस्ट ओपन हुआ है तो यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट दिख रहे हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, रिलेटेड पोस्ट। तो यहाँ पे एक मतलब नेविगेशन सिस्टम अच्छा है, मतलब यूजर इधर उधर जा सकता है अपनी साइट पे, मतलब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे विजिट कर सकता है। तो नेविगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मेरी साइट को अब एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मेरी साइट को आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज किस तरह से डाली गई हैं, कैटेगरीज देख सकते हैं, मीनू देख सकते हैं, उसके बाद रिलेटेड यहाँ पे रीड मोर करके है, साइड बार में पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट देखिए किस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें आर्टिकल ही नहीं लिखने आता है, तो आर्टिकल लिखने का भी तरीका आपको सीखना होगा। टेबल आप कंटेंट्स डालिए अपने ब्लॉगर साइट में, अपने वर्डप्रेस साइट में, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको पता है, मैंने अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको एनालाइज करने का ऑप्शन दिया है। अब जाएं bloggingskill.com पर और खुद देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऐड की है, क्या क्या अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे गलती बताएं। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई गलती होगी इस साइट पे। आप इसे फॉलो करिए, आप 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे, ठीक है। दिखा देता हूँ कि आप जब भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगर पे ही कर रहे हैं, तो कस्टम डोमेन जरूर ऐड कर लेना है गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने से पहले। अगर आप कस्टम डोमेन नहीं यूज करोगे ना, तो फिर अप्रूवल ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएगा सब डोमेन पे। तो फिर जब आप कस्टम डोमेन ऐड करोगे तो फिर से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। और अपना ओरिजिनल पोस्ट लिखिए, इजिली आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। टेम्पलेट अच्छा रखिएगा बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा। अभी देखिए बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये बार बार एक ही वीडियो आप बनाते हो, लेकिन आप देखो बार बार एक ही वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि आपको करना क्या है। फिर भी कमेंट आते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं होता। मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा गूगल एडसेंस अप्रूव करवा दीजिए। मैं कैसे करवा सकता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास कि एक एक बंदे को पकड़ के वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिलवाए, क्योंकि ये 5 मिनट का काम तो है नहीं कि कर देगा कोई, आपको खुद ट्राई करना होगा। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।